वेल तो जी आप लोगों को भी अगर थ्रिलर मूवीज़ देखना पसंद हैं जिनमें आप लोगों को कॉमेडी के साथ साथ क्राइम और ड्रामा भी देखे देखने को मिल जाए तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें आप लोगों को ना सिर्फ कॉमेडी देखने को मिलती है बल्कि यहाँ पर क्राइम और ड्रामा भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहां पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज हैं वो सारा कुछ यहां पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहां पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है वो रखते हैं बाकी अगर हम पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नाम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़्याया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा है वो रखते हैं बाकी अगर हम पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दी दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी सेवन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर पर में में रिलीज़ हो चुकी गुड लक के बारे में। तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है अवेलेबल है स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है ये नहीं, तो ये पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नियम डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के, के मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डाय डायरेक्शन तो को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थियेटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नाम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजीली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी सेवन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डाय डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नाम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से कर रिलीज हो चुकी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के, के मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर 2022 में रिलीज़ हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही रखी गई है यहाँ पर तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर एंड ग गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी सेवन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डाय डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नाम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक like किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक like किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी सेवन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डाय डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नाम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक like करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दी दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही रखी गई है यहाँ पर तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर एंड ग गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी सेवन परसेंट तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डाय डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डाय डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय भी कर सकते हैं तो जी आप लोगों को भी अगर थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है जिनमें आप लोगों को कॉमेडी के साथ साथ क्राइम और ड्रामा भी देखे देखने को मिल जाए तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें आप लोगों को ना सिर्फ कॉमेडी देखने को मिलती है बल्कि यहाँ पर क्राइम और ड्रामा भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जेरी के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक like करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दी दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात तो करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा है या बस एवरेज सी और तो सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही रखी गई है यहाँ पर तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर एंड ग गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए फिफ्टी तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डाय डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सबसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बस आसानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका ने मजी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग ईजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा है है या बस एवरेज सी सी और सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही रखी गई है पर तकरीबन घंटे और बीस मिनट के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर एंड ग गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई है नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से, से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से दीजिएगा तो जितने भी क्वेश्चन है वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा है है या बस एवरेज सी सी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही रखी गई है पर तकरीबन घंटे और बीस मिनट के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर एंड गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक like करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दी दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सबसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मित्ता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चन है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर 2022 में रिलीज़ हो चुकी गुड लक जैरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर 2022 में रिलीज़ हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी सी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही रखी गई है यहां पर तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एमडीबी रेटिंग पर एंड गूगल के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो अगर हम आई एम डी बी रेटिंग की बात करें तो यहां पर फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी आई एम रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानी से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका ने मजी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम डोरेशन की किस मूवी की टाइम डोरेशन जो है, है? यहाँ तो बहुत बहुत पर तक घंटे और बीस मिनट के राउंड मूवी की टाइम है जो एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एम डी बी रेटिंग पर एंड गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन है कि यह किस तरह की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर पर में में रिलीज़ हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में। तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज्यादा है बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही रखी गई है यहाँ पर तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एमडीबी रेटिंग पर एंड गूगल ]Afrival工作. के यूजर्स की से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी बी रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानी से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी डी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दी दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक like आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर पर में में रिलीज़ हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में। तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा है है बस एवरेज सी सी और इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन रखी गई तो मेरे हिसाब से इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन बहुत ही रखी गई है यहाँ पर तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई एमडीबी रेटिंग पर एंड गूगल के यूजर्स की जानव से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी आई एम रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानी से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारे की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज हो चुकी बहुत ही मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जानवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी डी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही ये थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहां पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर पर में में रिलीज़ हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में। तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तकरीबन दो घंटे और बीस मिनट के राउंड मूवी की टाइम ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई रेटिंग पर एंड गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी आई एम रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानी से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद के इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी डी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट uh, लाइक like, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से भी कर रिलीज हो चुकी बहुत ही गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन की मूवी बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी यहां पर आप लोगों के सामने काफी अच्छे तरीके से इन्होंने यहां पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े

गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी डी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर

के बारे में तो इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आई थिंक वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दी गई है जस्ट लाइक like आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए गए हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं फर्दर डिटेल्स शेयर की गई हैं फैक्ट्स हैं रिव्यूज़ हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो हजार बाईस में रिलीज हो चुकी बहुत ही मूवी गुड लक जैरी के बारे में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चन की मूवी बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहा किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर दो में रिलीज हो चुकी गुड लक जेरी के बारे में तो सबसे पहले हम कास्टिंग पर बात करेंगे कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है जी हाँ यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है वो कास्टिंग को प्रेजेंट किया है जस्ट लाइक आप लोगों के सामने जाह्नवी कपूर जसवंत सिंह दलाल मिता वशिष्ठ समता और उसी के साथ साथ दीपक डोबरियाल नीरज सोद और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन पर एंड जेनर पर किस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉमेडी देखने को मिलती है एंड क्राइम देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इंगेज रखने की भी यहाँ पर कोशिश पूरी की गई है कॉमेडी क्राइम के साथ साथ ड्रामा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें टाइम ड्यूरेशन की किस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है क्या बहुत है? बस और सी इस की गई है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर है जो एवरेज सी और मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की आई रेटिंग पर एंड गूगल के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम आई रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी आई एम रेटिंग है एंड अगर हम यहीं पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया क्या काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यह बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की परसेंटेज दी गई है तो इस मूवी की गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों को इसे एक चांस देना चाहिए 57% तक इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग और गूगल के यूजर्स के बाद कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहां पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरे डायरेक्शन को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है एंड सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी सिद्धार्थ सैन गुप्ता ने जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को हैंडल किया अगर हम बात करें उनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं दी क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवी दी है या नहीं दी और आप लोगों को किस तरह की मूवीज इन्हें इनकी डायरेक्शन में देखने को मिलती हैं तो इसके अलावा इन्होंने एक ही मूवी दी है रूल्स ऑफ रंजन ये मूवी उन्होंने प्रेजेंट की थी जो कि काफी अच्छी मूवी थी एंड उसमें भी आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से रोमांस प्लस कॉमेडी डी देखने को मिला था तो कॉमेडी आई थिंक इनका कॉमन जेनर है जो कि ये डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो रखते हैं बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई या नबी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये यूट्यूब पर आप लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोग इसे यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर नहीं देख पाएंगे एंड ना ही यह थिएटर्स के अंदर रिलीज की गई थी ये डायरेक्ट ही एक ओ पर रिलीज की गई थी जिसका नेम है जी डिजनी प्लस हॉट स्टार ये वहां पर अवेलेबल कर दी गई थी आप लोग इजिली इस मूवी को वहां पर जाकर इंजॉय भी कर सकते